अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। साइंस का हम लोग कर रहे हैं यूनिट नंबर 8। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, उसकी हमने थोड़ी सी रीडिंग की थी 2 पैराग्राफ्स की। उसका नेम है इलेक्ट्रिसिटी। आज भी हम लोग उसी पेज की पेज नंबर 68 उसका लास्ट पैराग्राफ है उसकी रीडिंग करेंगे। उसमें आपको मैं साथ साथ रीडिंग करवाऊँगी और साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी कि हमने इस रीडिंग में क्या पढ़ा है और हमने जो पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। ठीक है क्लास, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हमारे पास जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी हेडिंग है सर्किट्स। क्या है? सर्किट्स। द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट। सर्किट क्या होता है कि हमारे पास ऐसा पाथ, ऐसा रास्ता, ऐसी जगह जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके। ठीक है, यानी कि जो बिजली है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो पास कर सके, उसको हम कहेंगे सर्किट। ठीक है क्लास, अ सिंपल सर्किट कैन बी फाउंड इन द थिंग्स वी यूज सच एज अ टॉर्च और सम टॉयज। कि जो सर्किट है वो हमारे पास बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। सिंपल सर्किट, सिंपल सर्किट का मतलब है कि जिसके अंदर एक सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स हो, सोर्स कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास मेन पावर वो भी होता है, स्विच से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। जो सिंपल चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनमें हम बैटरी के थ्रू भी ले सकते हैं, थ्रू सेल ले सकते हैं, बैटरी के जरिए इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, जो करंट है, उसको फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो सिंपल सर्किट है यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी कोई बैटरी हो सकती है, कोई अप्लाइंस हो सकती है जिसको हमने ग्लो करवाना है या जलाना है या उसे वर्क करवाना है, और साथ एक वायर होती है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ने पास करना होता है। ठीक है, तो उससे मिलकर बनता है एक सिंपल सर्किट। और वो सिंपल सर्किट जो होता है वो डिफरेंट चीज़ों में यूज़ हो सकता है, टॉर्च में भी यूज़ हो सकता है, और सम टॉयज यहाँ पर हमारे पास यूज़ हो रहे हैं वो वाले टॉयज जो सेल से चलते हैं, जो बैटरी से चलते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल रिमोट कंट्रोल कार हो गई, या हमारे पास कोई जो और मूविंग टॉयज होते हैं वो। ठीक है, उनके अंदर भी सेल डलते हैं। सेल का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर बैटरी डल रही है, यानी कि उसके अंदर हम थोड़ा सा करंट फ्लो करवा रहे हैं ताकि जो उसके अंदर सर्किट है उसके अंदर करंट मूव कर सके। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल है एक सर्किट की। फॉर अब देखें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें ये बैटरी है, बैटरी को सेल भी हो सकती है, कोई बड़ी बैटरी भी हो सकती है, छोटी बैटरी भी हो सकती है। अप्लाइंस के लिहाज से डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ यूज़ करें, किस चीज़ के अंदर हमने करंट फ्लो करवाना है। ठीक है, उसके बाद ये वायर है, ये वायर बैटरी से भी अटैच है और ये बल्ब से भी अटैच है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब हम वायर को बैटरी से अटैच करेंगे, उसके बाद उसको बल्ब के साथ अटैच करेंगे, तो फिर क्या होगा कि जो करंट है वो बैटरी में से फ्लो करेगा वायर में, और वायर से फ्लो करके कहाँ पे आ जाएगा? बल्ब में। ठीक है क्लास, ये हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जांपल है सिंपल सर्किट की। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपने रीडिंग को अच्छे से लर्न करना है। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।